हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल यार दीक्षा किचन में। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही टेस्टी पेड़े। आप देख ही सकते हैं कितने नरम है ये और बहुत ही सॉफ्ट है। और फ्रेंड्स, ये टेस्ट तो इनका बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है और ये बहुत जल्दी बन के भी रेडी हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और आपने बहुत सारी मिठाइयाँ आटे से बनी हुई, लेकिन आप एक बार इस पेड़े की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आटे से बनने वाले बहुत ही टेस्टी पेड़ों की रेसिपी। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने पेड़े की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन रख दिया है गैस पे, गैस को ऑन कर दिया है और उसको गर्म करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम डालेंगे यहाँ पर घी। तो मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज किया है। तो हम यहाँ पे 1 से 1.5 बड़ी चम्मच घी डाल देंगे, इनकी 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब घी डाल देंगे और घी को मेल्ट करेंगे अच्छे से, यानी कि गर्म करेंगे। और जैसे ही घी अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे ये गेहूं का आटा। तो मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लिए, उसी से सारा मेजरमेंट करें और इसको अच्छे से भूनेंगे हम धीमी आँच पे। और गैस की फ्लेम को हमको हाई नहीं करना है बिल्कुल भी, और लो से मीडियम के बीच में फ्लेम रखनी है और अच्छे से इसको भूनेंगे। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लगातार चलाते हुए इसको भूनना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बीच में, वरना ये नीचे तले में लग जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमको हमने यहाँ पे इसको अच्छे से भून लिया है, लगभग हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। और जैसे ही इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें अच्छी खुशबू भी आ रही है। अभी इस स्टेज पर हम डाल देंगे घी। तो हम 1 टेबल स्पून के करीब घी और इसमें डाल देते हैं। हमने इसमें एक साथ घी नहीं डालना है और आप कोई भी एक सारा घी एक साथ नहीं डाल देना है, इसमें धीमे धीमे करके ही डालना है। और इसको लगातार चलाते हुए फिर से भूनेंगे, घी को सारे को मिलाएंगे आटे में अच्छे से, और इसको लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से हमको भूनना है, जब तक कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू ना आने लग जाए और इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए इसमें। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक साथ घी इसलिए नहीं डाला है कि इसको धीरे धीरे घी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे, इसमें उससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है और जो घी है सारा आटा बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो फिर से हमने इसको थोड़ी देर भूना और ये घी डाल दिया हमने इसमें फिर से। तो फिर से मिलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे आटे को, लगातार चलाते हुए हमको भूनना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, नीचे लग जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है आटे का, और ये काफ़ी हल्का भी हो गया है भुनने के बाद, काफ़ी आटा जो है हल्का सा हो जाता है और ये क्रम्बली भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आटे को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें एक फ्लेवर, मतलब सॉरी, हम इसमें डालेंगे मलाई। तो मैंने यहाँ पे दूध की मलाई ली है, 4 से 5 बड़ी चम्मच हमने यहाँ पे दूध की मलाई डाल देनी है। ये भी आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सूखा दूध डाल सकते हैं, यानी कि मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फिर से हम इसको अच्छे से मिलाएंगे सारी मलाई को, और आटे को फिर से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इससे डालने से क्या होगा, ये बहुत हेल्दी भी हो जाएंगे और इससे एक मावा वाला टेक्सचर भी इसमें आ जाएगा, इसमें टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसलिए हमने इसमें दूध की मलाई डाली है। तो आप दूध को गर्म करें और जो उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है फ्रिज में रखने के बाद, बस वही मलाई ले लेनी है हमने यहाँ पे। तो इसको फिर से चलाते हुए भूनेंगे इसको थोड़ी देर। इसका कितना अच्छा कलर आ गया है, इसको थोड़ा सा और भूनना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको काफी अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। तो हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल दिया है, इससे इसका इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इससे फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप नहीं है तो आप क्या करें, जो सूखा वाला नारियल होता है उसको भी इसको घिस के डाल सकते हैं उसको यहाँ पे। तो अभी हमने देख सकते हैं अच्छे से भून लिया, इसका काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो ये हल्का गुनगुना है। तो अभी हम डालेंगे यहाँ पे बूरा, आप बूरा या तगार, आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है और 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है, 1/3 कप, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब
ये आपको जभी डालना है जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, आपको गरम गरम में नहीं डालना है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, इसको हल्का सा ठंडा कर लिया था। इसको ये पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गुनगुना है, तभी डाल देना है इसको अच्छे से। तो हम इसको अच्छे से मिलाएंगे सारी चीज़ों को, और जैसे ही बूरा हमारा अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स आप हाथ से देख सकते हैं ऐसे, तो ये नहीं बन रहा है जैसे हम पेड़ा बांध रहे हैं, तो अभी इसके टेक्सचर नहीं आया है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको पेड़े बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम दूध की मलाई। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, तो या तो आप दूध की मलाई डाल दें या फिर आप यहाँ पे देसी घी डाल दें। जैसे ये देसी घी है तो 1 से 2 बड़े चम्मच घी डालने, लेकिन मेल्ट करके घी डालना है यहाँ पे। या फिर आप हल्का गुनगुना 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पे गर्म दूध भी डाल सकते हैं, हल्का सा गर्म जो होता है। तो हम यहाँ पे दूध की मलाई डाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही दूध की मलाई डाली। इससे बहुत ही अच्छे टेस्टी पेड़े बनते हैं और थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई डाल दी है, आप देख सकते हैं। मलाई डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे फिर से। तो आप देख सकते हैं मैं इसको स्पून से अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इसको स्पून से नहीं मिला पा रहे हैं तो आप इसको हाथ से भी अच्छे से मिला सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्पून हटा देते हैं और इसके हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम इस मलाई को। इसमें बहुत ज़्यादा आप नहीं दूध डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 बड़े चम्मच आप दूध डाल दें हल्का गुनगुना, उससे इसमें काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लिया है। तो अभी हम इसको हाथ में देखेंगे बांध के पेड़े को। तो जैसे ही हम पेड़ यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे पेड़े बन रहे हैं, यानी कि पेड़ा हमारा अच्छे से बन रहा है। तो जो यानी कि जो मिक्सचर है इसका टेक्सचर है एकदम से रेडी है पेड़े बनाने के लिए। तो अभी हम इसमें एक फ्लेवर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम डालेंगे यहाँ पे इलायची पाउडर। तो ये 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है ये, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो जायफल ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने ओनली यहाँ पे बस अभी इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सिंपल से बनाए हैं। तो हम अच्छे से मिक्स करके और पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप हाथों में मिक्सचर लेंगे थोड़ा सा, और हाथों के अच्छे से प्रेस करके और इसको जो पेड़े वाली शेप है वो देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको गोल भी बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा हाथों में लिया और रोल टाइप में बनाया, और इसको दूसरे हाथों की उंगलियों के हेल्प से इसके जो साइडें हैं इसकी हल्का सा उसको चपटा करेंगे और जो पेड़े वाली शेप है वो देंगे। देखिए हमारे यहाँ पे पेड़ा बन के एकदम से रेडी है। तो अभी हम डेसिकेटेड कोकोनट में इसको कोट करेंगे। आप चाहें तो तगार या बूरा चीनी जो भी है आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे अच्छे से बना लिया, अच्छे से कोट कर लिया है, और इसी तरीके से हमने सारे बना लेने हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया एक, इसी तरीके से हमने बना लिया अच्छे से इसको और रख दिया है प्लेट में। हम आपको एक और इसी तरीके से बना के दिखा देते हैं आपको। हाथों में मिक्सचर लिया और अच्छे से दबाते हुए हम पेड़े की शेप देंगे। दूसरे हाथों से इसको जो साइड है इसकी हल्का सा चपटा करेंगे उसको रोल को। और देखिए हमारा जो पेड़ा है वो बहुत अच्छे से बन गया है, एकदम से रेडी। और इसको भी कोट करेंगे हम और रख देंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सारे पेड़े बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स है ना कितने आसान ये गेहूं के आटे से बनने वाले पेड़े, और ये बहुत टेस्टी भी हैं। आप देख सकते हैं मैं इनको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। हमारे टेस्टी पेड़े हैं एकदम से बनके रेडी। देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट है हमारे जो पेड़े हैं, बहुत गेहूं के आटे से हमारे टेस्टी पेड़े बन चुके हैं, और कितने इसको बनाना कितना आसान है आपने देखा। तो फ्रेंड्स आई होप कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स हमारी जो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आप यार दीक्षा किचन, और आप इस पेड़े की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।